हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास पोको कंपनी का फ़ोन है और अगर आप लोग यहाँ पे आपके फ़ोन पर एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे कि आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या तो फिर और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। वैसे तो आप लोग यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे सकूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा, उन सभी तरीक़ों को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोन पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे जो प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है ना उसको लॉन्ग प्रेस करिए और ऐप इन्फॉर्मेशन पे आइए। ऐप इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे नीचे में अनइंस्टॉल एंड अपडेट का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके फ़ोन पर जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर एक लेटेस्ट वर्जन का जो गूगल प्ले स्टोर है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला सेटिंग करिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है और फिर यहाँ पर आपको डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, तो डेटा यूसेज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा यूसेज मोबाइल डेटा को आप लोग इनेबल करिए और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको ओके करेंगे ना तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, फिर आपके फ़ोन पर प्ले स्टोर जो है वो आसानी से चलने लगेगा।